स्वागत है आप सभी छात्रों का एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास नाइन्थ के मेरे जितने भी प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर, आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए यह मॉडल पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसा ही आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में हिंदी विषय का पेपर, तो आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो। इस मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। और साथ ही मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में अन्य विषय से भी रिलेटेड मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिए गए हैं, आप वीडियो देख लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर कर दें और अपने कमेंट भी करते रहें। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं मैं आज के इस वीडियो में लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 9 विषय हिंदी का मॉडल पेपर। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपको समय कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा यानी जो वार्षिक परीक्षा होगी आपकी, उसमें आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। और पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा, 70 अंकों का। हिंदी विषय का जो पेपर होगा 70 अंक का पूर्णांक होगा। अन्य विषयों का जो पेपर होगा उसका भी पूर्णांक कितना होगा, 70 अंकों का होगा। और यहां पर कुछ सामान्य से निर्देश दिए गए हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। यहां पर प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और दूसरा है निर्देश, प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। जो पेपर होगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में, उसमें जो हिंदी विषय का पेपर होगा उसमें क्या होगा कि प्रश्न पत्र जो होगा खंड आ और खंड बा में विभाजित होगा। इसके बाद है यहां पर खंड आ, यहां पर खंड आ होगा। यहां पर खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। जो खंड आ होगा उसमें 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और इनका जो है आपको आंसर कहां देना होगा, जो 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे इनका आंसर आपको ओएमआर शीट में फिल करना होगा। और यदि आप सीखना चाहते हैं ओएमआर शीट को भरना तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने कंप्लीट बता दिया है कि आपको ओएमआर शीट कैसे भरनी है और ओएमआर शीट में जो 20 प्रश्न का आंसर कैसे भरना है, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वीडियो देख लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो यहां पर अगला निर्देश क्या है कि खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं। जो खंड बा होगा उसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में, जो आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी मिलेगी उस पर लिखना होगा। और जो 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे इनका आंसर आपको ओएमआर शीट में फिल करना होगा। तो यहां पर चलिए मैं आपको बता दूं, जो 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं इस मॉडल पेपर के वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। आप इन प्रश्नों का आंसर जरूर तैयार कर लें, इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लें। जो ये मॉडल पेपर है आपकी वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको अन्य भी मॉडल पेपर प्रोवाइड कराता रहूंगा, आप चैनल के साथ जुड़े रहें। और यहां से जुड़कर आप हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, चित्रकला विषय की तैयारी कर सकते हो 2023 वार्षिक परीक्षा के लिए। तो यहां पर पहला प्रश्न क्या है खंड आ का कि सीमा रेखा एकांकी के रचनाकार हैं। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है विष्णु प्रभाकर, दूसरा विकल्प है उदय शंकर भट्ट, तीसरा है राम कुमार वर्मा और चौथा है सेठ गोविंद दास। तो ये जो प्रश्न है इनका आंसर तो ओएमआर शीट में फिल करना है। फिलहाल मैं आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर
आंसर बताता चलूं, और जब मैं इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व कराऊंगा तो आपको ओएमआर सीट में इस तरह के जो प्रश्न हैं यानी इस मॉडल पेपर के जो प्रश्न हैं इनका आंसर ओएमआर सीट में फिल करके भी बताऊंगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न क्या है कि सीमा रेखा एकांकी के रचनाकार हैं, इसका राइट आंसर क्या है, विष्णु प्रभाकर। जो सीमा रेखा एकांकी है इसके लेखक या रचनाकार कौन है, विष्णु प्रभाकर जी हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है नए मेहमान एकांकी के रचनाकार कौन है, यहां पर पहला विकल्प है राम कुमार वर्मा, दूसरा विकल्प है उदय शंकर भट्ट, तीसरा विकल्प है सेठ गोविंद दास और चौथा विकल्प है विष्णु प्रभाकर। तो नए मेहमान एकांकी के रचनाकार कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नए मेहमान जो एकांकी है यह उदय शंकर भट्ट की एकांकी है, दूसरा वाला जो विकल्प है यह सही है। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि वीर गाथा काल के कवि हैं, दिए गए विकल्प में कौन से कवि वीर गाथा काल के हैं, यहां पर पहला विकल्प है सूरदास, दूसरा है चंदवरदाई, तीसरा विकल्प है भूषण यानी महाकवि भूषण और चौथा है केशवदास। तो वीर गाथा काल को अन्य नाम से भी जाना जाता है, अन्य नाम से क्या इसे कहते हैं, आदिकाल भी कहते हैं। वीर गाथा काल को आदिकाल भी कहते हैं, वीर गाथा काल को सिद्ध सामंत काल भी कहते हैं, वीर गाथा काल को चारण काल भी कहा जाता है। इतने नामों से वीर गाथा काल को जाना जाता है। तो यदि प्रश्न आता है कि वीर गाथा काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या प्रश्न आता है कि आदि काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तर क्या होगा, वीर गाथा काल या सिद्ध सामंत काल या चारण काल। तो इतना आप जरूर तैयार कर लो। ये जो मॉडल पेपर है इस मॉडल पेपर में जितने प्रश्न हैं इसके अतिरिक्त भी मैं आपको अन्य प्रश्नों को भी बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में। तो यहां पर है कि वीर गाथा काल के कवि कौन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंदवरदाई। चंदवरदाई जो हैं वीर गाथा काल के कवि हैं, और इनके द्वारा रचित रचना कौन सी है, चंदवरदाई जी के द्वारा रचित रचना है पृथ्वी राज रासो। यदि प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी राज रासो के रचयिता कौन है, तो पृथ्वी राज रासो के रचयिता कौन है, चंदवरदाई जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा, चंदवरदाई जी की यह रचना है। और इसके बाद जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न क्या कह रहा है कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से कब सुशोभित किया गया, पहला विकल्प है 1860 में, दूसरा है विकल्प 1865 में, तीसरा विकल्प है 1875 में और चौथा विकल्प क्या है 1880 में। तो हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से कब सुशोभित किया गया, उत्तर क्या हो जाएगा, सन 1880 में हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से यानी उपाधि से सुशोभित किया गया। 1880 से ही हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया और तभी से इन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाने लगा। अगला प्रश्न है कबीर के दोहों को नाम से जाना जाता है, जो कबीर के दोहे हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, पहला विकल्प है दूहा, दूसरा विकल्प है शबद, तीसरा विकल्प है साखी और चौथा विकल्प क्या है, यहां पर पद है, यहां पर पद हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है कि कबीर के जो दोहे हैं उनको अन्य नाम से यानी किस नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या है, साखी, जो कि आपकी हिंदी काव्यखंड का पहला ही पाठ है। तो कबीर दास जी की जितनी भी साखियां हैं सभी से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यदि आप देखना चाहते हो कबीर दास जी की प्रत्येक साखी की व्याख्या तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेंगे, आप देख सकते हो। और अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, यहां पर पहला विकल्प क्या है, कुंभन दास, दूसरा है विकल्प दादू दयाल, तीसरा है विकल्प मंझन और चौथा विकल्प है नंददास।
तो भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन हैं? दिए गए विकल्प में राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर है मंजन, क्योंकि भक्ति काल के जो प्रेमाश्रयी शाखा है उसके कवि कौन हैं? दिए गए विकल्प में से मंजन हैं। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? पहला है विकल्प मुंशी सदा सुखलाल, दूसरा विकल्प है सदल मिश्र, तीसरा विकल्प है राम प्रसाद निरंजनी और चौथा विकल्प है मुंशी इंसा अल्लाह खां। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? राइट आंसर है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। यहां पर जो तीसरा वाला विकल्प है यह सही हो जाएगा, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। अगला प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? यहां पर पहला विकल्प दिया गया है कामायनी, दूसरा विकल्प है सूरसागर, तीसरा विकल्प है भारत भारती और चौथा है विकल्प उद्धव शतक। तो सूरसागर जो रचना है सूरदास जी के द्वारा लिखी गई है और यह किस काल में लिखी गई है? तो यह रचना भक्ति काल में लिखी गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरसागर भक्ति काल में लिखी गई रचना है। और आप सभी से मैं एक बार पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लो, और जो भी मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो मैं आप सभी के लिए प्रोवाइड करा रहा हूं आप सभी मॉडल पेपर को तैयार कर लें। यदि आप भी लाना चाहते हैं 2023 वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर तो आप सभी मॉडल पेपर को तैयार कर लो, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आपके लिए मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को शेयर भी करते रहें अपने सभी प्यारे मित्रों में। और इसी क्रम में यहां पर आप देख पा रहे हैं इस मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 9 क्या है, निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के कवि नहीं है? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के कवि नहीं है। यहां पर पहला विकल्प है सारंगधर, दूसरा विकल्प है जगनिक, तीसरा विकल्प है सुमित्रानंदन पंत और चौथा है चंदबरदाई। तो दिए गए विकल्पों में से कौन है जो आदिकाल के कवि नहीं है? राइट आंसर क्या है? सुमित्रानंदन पंत, क्योंकि ये जो है छायावादी युग के कवि हैं। बाकी जो तीन कवि हैं सारंगधर, जगनिक और चंदबरदाई, ये सभी आदिकाल के कवि हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न संख्या 10 है, रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, में कौन सा अलंकार है? पहला है विकल्प श्लेष अलंकार, दूसरा विकल्प है रूपक अलंकार, तीसरा विकल्प है उपमा अलंकार और चौथा विकल्प क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें है श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार है। रहिमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, क्योंकि श्लेष अलंकार में क्या होता है? एक शब्द एक बार आता है, यानी एक शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या यहां पर 11, काव्य में जब वर्णों की आवृत्ति शब्दांत अथवा प्रारंभ में बार बार होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? पहला विकल्प है यमक अलंकार, दूसरा विकल्प है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा विकल्प है श्लेष अलंकार और चौथा है अनुप्रास अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब काव्य में वर्णों की आवृत्ति यानी अक्षरों की आवृत्ति शब्दांत अथवा प्रारंभ में बार बार होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जब एक वर्ण या अक्षर की आवृत्ति किसी शब्द के शुरुआत में या किसी शब्द के अंत में होती है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि जहां पर एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति क्या हो, अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों में, यानी एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ क्या हो जाएं? भिन्न भिन्न हो जाएं, यानी उनके अर्थ अलग अलग हो
जाएं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर यहां पर विकल्प दिए गए हैं रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है यमक अलंकार, क्योंकि जहां पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि कनक कनकते सौ गुनी मादकताधिकाय, जहां पर कनक शब्द आप देखेंगे, जब उदाहरण मैंने वीडियो भी प्रोवाइड कराई है, कनक शब्द दो बार आता है इस उदाहरण में जो मैंने आपको बताया है, कनक शब्द दो बार आता है और कनक शब्द दोनों बार आया है और दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है, इसीलिए यहां पर यमक अलंकार है, क्योंकि लिखा है जहां पर एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों में आवृत हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में समास विग्रह है, यहां पर आप देख पा रहे हैं वी प्लस दयार्थी क्या है, अगला विकल्प विद्या प्लस अर्थी और अगला विकल्प है विद्य प्लस अर्थी और चौथा है विकल्प विद्या प्लस थ्री। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विद्यार्थी में समास विग्रह क्या है, यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न का विद्या प्लस अर्थी, दूसरा वाला विकल्प सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्राम गृह में समास विग्रह क्या हो जाएगा, चार विकल्प दिए गए हैं, पहला है विश्राम प्लस ग्रह, दूसरा है विश्राम प्लस ग्रह और तीसरा विकल्प है विश्रम प्लस ग्रह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विश्राम ग्रह में समास विग्रह क्या है, पहला ही विकल्प सही है विश्राम प्लस ग्रह। और अगला प्रश्न है, उसका विद्यालय कहाँ है, इस वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, यहां पर विकल्प भी दिया गया है प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, अल्प विराम या योजक। तो उसका विद्यालय कहां है प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, कि मयूर का तद्भव रूप क्या है, पहला विकल्प है मोर, दूसरा विकल्प है मृग, तीसरा है काट और चौथा है टिक। तो मयूर का तद्भव रूप क्या होगा, मोर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, दुर्भाग्य का विलोम क्या है, यहां पर पहला विकल्प है सौभाग्य, दूसरा है अभाग्य, तीसरा है कुभाग्य और चौथा है भाग्य। तो दुर्भाग्य का विलोम क्या हो जाएगा, सौभाग्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, ग्रह सदन गेह किसके पर्यायवाची हैं, रात के, खेल के, नाग के या घर के। तो ग्रह सदन और गेह किसके पर्यायवाची शब्द हैं, घर के पर्यायवाची शब्द हैं। और अगला प्रश्न है, यहाँ पर परमौषधि में संधि कौन सी है, गुड़ संधि है, वृद्धि संधि है, अगला विकल्प है यहाँ पर यण संधि है या फिर दीर्घ संधि है। तो परमौषधि में कौन सी संधि है, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि, यानी दूसरा जो विकल्प है यहां पर राइट आंसर है, परमौषध में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 20, बहुविकल्पी जो प्रश्न है, 20 प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, बहुविकल्पी होंगे और इनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। तो 20 नंबर का यहां पर प्रश्न क्या है, कि चतुर्थी विभक्ति है कौन सी, कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कि चतुर्थी विभक्ति कौन सी है, इसका राइट आंसर है, आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर संप्रदान कारक, तीसरा वाला जो विकल्प है सही हो जाएगा, संप्रदान कारक। तो 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, मैंने आपको अभी अभी बताया है 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी जिनका आपको आंसर देना होगा OMR शीट में। इसके बाद यहां पर खंड बा में आप देख पा रहे हैं प्रश्न आए हैं किस तरीके के, यहां पर वर्णनात्मक प्रश्न, इनका आंसर आपको लिखना होगा। तो यहां पर प्रश्न संख्या 21 का के अंतर्गत पूछा गया है, खंड बा के अंतर्गत निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दो गद्यांश आएंगे और दोनों गद्यांशों के नीचे तीन तीन प्रश्न दिए होंगे, यहां पर दोनों ही गद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है, आप तैयार जरूर कर लो। और यहां पर आप देख पा रहे हैं तीन तीन प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए तीन प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको
आपको कुल 6 नंबर मिलेंगे। और इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर 22 का के अंतर्गत है कि निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर गद्यांश के बाद जो पद्यांश हैं, दो पद्यांश आए हैं और दोनों पद्यांशों के नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं। यहां पर पहला पद्यांश क्या है, राम नाम के पटतरे देबे कौ कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये होश रही मन माही। और दूसरा पद्यांश है, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलतल में। दोनों ही पद्यांशों से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और यहां पर आपको करना क्या होगा, किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए जो एक पद्यांश यहां पर चाहे तो आप इस पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें, या अथवा में जो पद्यांश आएगा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें, आपको 6 नंबर यहां से मिलेंगे। और इसके बाद प्रश्न संख्या 23 का है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। संस्कृत के 2 गद्यांश आएंगे और दोनों ही गद्यांश यहां पर आप देख पा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा और हिंदी अनुवाद लिखना होगा, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद यहां पर अगला प्रश्न है, 23 खा के अंतर्गत निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत के 2 यहां पर पद्यांश हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही। आपको किसी एक का क्या करना है, संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 है कि दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के शीर्षक की उपयुक्तता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में दोनों ही प्रश्नों का आंसर से रिलेटेड वीडियो मिलेगा, आप देख लीजिए। मैंने दीपदान एकांकी की प्रमुख पात्र स्त्री जो पात्र हैं उनके चरित्र चित्रण से संबंधित जो यह प्रश्न है इसका आंसर बता दिया है, वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और यह प्रश्न आएगा 5 नंबर का। अगला प्रश्न है यहां पर प्रश्न संख्या 25 का के अंतर्गत निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहां पर आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा, 3 लेखकों का नाम दिया होगा आपको, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा और उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का भी नाम लिखना होगा, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। और इसके बाद यहां पर 25 खा का प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहां पर जो कवि दिए गए हैं वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से, आप इन 3 कवियों का जीवन परिचय जरूर तैयार कर लो। चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, आप देख पाएंगे। तो यहां पर किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना होगा और संबंधित कवि की किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखना होगा, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 26 क्या है, अपनी पाठ पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप 3 श्लोक जरूर तैयार कर लो, क्योंकि संस्कृत के पद्यांश के अंतर्गत यहां पर आप देख पा रहे हैं 2 श्लोक पूछे गए हैं। यदि आप यही दोनों श्लोक तैयार करते हो और यही आपके पेपर में आ गया तब आप क्या करोगे, इसलिए आपको 3 श्लोक तैयार कर लेने हैं। यदि 2 आते हैं तो आप तीसरा जरूर लिख सकते हैं और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर क्या है, प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहां पर आपको किसी एक का अर्थ बताना है और वाक्य प्रयोग भी करना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर संस्कृत के वाक्य दिए गए हैं, कितने वाक्य आएंगे, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 1, 2 और यहां पर है शेष वाक्य, यहां पर है 3, 4 और 5, 5 वाक्य दिए गए हैं संस्कृत के। आपको किन्हीं 2 वाक्यों का, कितने वाक्यों का, किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 क्या होगा, अस्वस्थ होने के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को कैसे सूचित करेंगे, अथवा प्रधानाचार्य को पत्र जिसमें आकस्मिक अवकाश है तो एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 2 दिन का अवकाश
मांगा गया हो तो आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। चाहे तो आप प्रश्न संख्या 30 का उत्तर दें, चाहे तो आप प्रश्न संख्या 30 का अथवा है इसका उत्तर दें, आपको 5 नंबर यहां से मिलेंगे। तो मैंने आपको पूरे मॉडल पेपर के बारे में बता दिया है कि 2023 में जो हिंदी विषय का मॉडल पेपर होगा कुछ इसी तरीके का आएगा, इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न आएंगे। आप इस मॉडल पेपर को यदि तैयार कर लेते हो, इसके प्रश्नों को तैयार कर लेते हो, तो यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। और चैनल की प्लेलिस्ट में आपको अन्य भी मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, आप उन्हें भी देख लें और तैयारी करना स्टार्ट कर दें 2023 वार्षिक परीक्षा की। चैनल के साथ जुड़कर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।